इंडिया के टुकड़े टुकड़े होते वो देख रहे हैं, यानी दोबारा 1947 होने जा रहा है इंडिया में। जा, तेरे इतने टुकड़े करूंगा, हथियार निकाले अपना और डिस, 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 डिस करके मुझे उड़ा दे और कुत्तों में बांटूंगा। वाह क्या बात है, इसलिए बेहतर होगा अपने मुल्क के टुकड़े होते हुए देख। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दे, मैं मस्कीन औरत हूँ। नहीं, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दे। ठहरो रानी, बहुत कटीली नचनिया हो। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। आखिर क्यों? क्योंकि हमारा मनोरंजन एक ही चीज में होवे, वो क्या? पाकिस्तान की बेइज्जती। औरतें रिक्शों में चिंचू में बच्चे पैदा कर रही हैं। उफ, कितना बोलती हो। सिर्फ एक माइक मिलने की देर है, बस को पकड़ नहीं सकता। हम करते हैं प्रबंध। पानी तक तो आप दे ना सके साफ, वो पानी जो बीमारियां फैलाते हैं वो पानी देते, बातें करते हैं आप लोग बढ़ चढ़ के। पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, बहुत बड़े वाली तरक्की, लेकिन ना रोटी ना पानी, पाकिस्तान की यही कहानी। ये है तरक्की। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त 80% पानी पीने के काबिल नहीं, साफ पीने के पानी तक से तो महरूम रखा, तो बुनियादी जरूरत है। हिंदुस्तान के एक फैसले ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पानी पिए बगैर नाजरीन किसी का गुजारा हो सकता है? हाँ, समझ सकते हैं, इतना चीख चीख कर गला सूख जाता होगा। पानी का ग्लास मुझे इस प्रोग्राम में चाहिए होता है बार बार पीने के लिए। मेरे प्यारे किटकैट्स, फिजा खलीफा के लिए एक गिलास पानी का इंतजाम तो करो। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट कर। हम फर्स्ट। ये जो बदले की बात आप कर रहे हैं कि अब ये तो बदमाशी है ना, कि इंडिया ये कहेगा कि जी आपने तो यहाँ टेररिस्ट भेजे थे, अब हम पानी बंद करके आपको भूखा प्यासा मारेंगे। ये है दूर दाना, दूर पड़ा हुआ दाना, दूर दाना। ठीक है, इंडिया के पास बहुत पावर है, बहुत कुछ है, इतना एक्सट्रीम स्टेप पे जाकर अनलेस एंड अंटिल के बहुत ही ज्यादा हालात खराब हो जाएं और एक फैसला ही हो जाएगा जी पाकिस्तान को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास भी ये भी आप देखें कि इसका अगर रिटेलिएशन आ जाए, आप पानी बंद कर दो, ठीक है, आप कहेंगे जी इनको भूखा मारना है, तो क्या होगा? न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी। इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, आधे से ज्यादा इंडिया सेकंडों में। नहीं नहीं, असली की बात नहीं है। पहली बात तो अपनी न्यूक्लियर पावर है ना, अपने घुसा लो, समझ गए होंगे कहाँ पर। ये मजाक नहीं है, आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं, अपने खुद जहर उगल रही है और बोल रही है तुम्हारे बच्चों को, तुम आप लोग बच्चों को पॉइजन कर रहे हैं अपने। मैं बता दूं, हमारे जो देश के बच्चे है ना, वो तुम्हारे देश के बच्चों जैसे नहीं है। चल्ड पिल्डिया सांप पता है खेतों में मिलता है, जो उछलता बहुत है, लेकिन उसके काटने से ना कद्दू नहीं उखड़ता, बंदा हद मार के बेहोश हो जाता है। ऐसे ही इनके जहरीले बच्चे, कछुआ हिंद करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे और करते कख नहीं। क्या होगा फिर, मेरी बात सुने ना, एक न्यूक्लियर पावर के साथ आप इस तरह का खेल खेल सकते हैं? जरूरत पड़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाप को भी बाप नहीं बना सकते। मैं आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो न्यूक्लियर वॉर कर सकते हैं, नुकसान तो फिर दोनों तरफ से हो जाएगा ना। हरिभवन साहब गलत बात ना करें, मैंने ये नहीं कहा हम न्यूक्लियर वॉर कर सकते। फ्लैशबैक। तो क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, इंडिया बचेगा? आधे से ज्यादा इंडिया खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हारा काम था अपने बाप को मनाना, घुटने टेकना, नाक से लकीर खींच खींच कर माफी मांगना, रिक्वेस्ट करना हाथ जोड़कर, मगर तुम ठहरे कुत्ते की दुम, धमकी पर उतर आए। अगर पाकिस्तान के पास पानी नहीं होगा, अगर पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो। और हाँ, अपने न्यूक्लियर पावर एटम बम को एक बार चेक कर लेना, कहीं उसे भी जिन्ना वाली बीमारी लग गई हो, टीबी। तो फिर होगा क्या, फिर धमकी कैसे दोगी? पाकिस्तान के पास क्या क्या कर सकता है, पाकिस्तान के पास क्या? और दुर्दाना, अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, कैसे सड़क पर पैदा होते हैं चिम चिम में। इस 22 करोड़ आवाम के बच्चे सड़कों पर पैदा होते हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए हैं सड़कों पर, और औरतें रिक्शों में चिमचों में बच्चे पैदा कर रही हैं। और जब बच्चा बड़ा होगा 18 साल का, तो कहेंगे इसी मुंह के साथ आके कि वोट को इज्जत दो। कैसे दे वो वोट को इज्जत, जिसकी माँ हॉस्पिटल में पहुंच सकी आप लोगों के प्रोटोकॉल्स की वजह से, रिक्शे में पैदा हुआ वो सड़क पर, फिर बातें करते हैं 22 करोड़ आवाम की। भाई मैं असल में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दिल बड़े करें, डॉक्टर फिजा अकबर खान के अल्फाज सुने। मोटरसाइकिल के ऊपर गाड़ी का हॉर्न लगा लेने से मोटरसाइकिल गाड़ी नहीं बन जाती, पागल समझा हुआ आवाम को? खैर आपसे क्या उम्मीद रखना, नवाज शरीफ को मोदी का याद। अपनी आंखों को खोलो, कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप। मुझ जैसा कम अकल समझने से कासिर है कि इन जानिए, देखिए जरा मैं जरा पानी पी। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। सर मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, वो कौन है किट्टू? चाचा मैं देख रहा हूँ डर खत्म होता जा रहा है। वो कौन है किट्टू? मैं चाचा की कुटाई करके आता हूँ। जितनी मरम्मत की जाए उतनी कम है।
अल्लाह माफ करे यार। नहीं, अल्लाह माफ क्यों करेगा, गलती करो तुम किट्टू राव साहिबा का नाम लेने में, और माफ करे अल्लाह, किट्टू राव साहिबा से माफी मांगो ना। किट्टू राव साहिबा माफ करे यार, किट्टू राव साहिबा माफ करे यार, किट्टू राव साहिबा माफ करे यार। ओके चलो माफ किया भाई ने, कहा मर्दों वाली बात 100%। हाँ तो ऐसे ही थोड़ी भाई बना हूँ, मर्दों वाली बात है ना कुछ तो। आहा। पूरी कौम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर लेटे हुए हैं, कुछ तो खंभों पर चढ़कर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। यार खंभे पे चढ़ के कौन प्रोटेस्ट करता है, क्या मजा आ रहा है यार, क्या मजा आ रहा है, मुझे तो यकीन करो मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ आप सोच भी नहीं सकते। ये सोई हुई कौम कैसे जाती, बिरयानी देखकर इधर बिरयानी देखी और इधर मुल्क आजाद करवाने निकल गए। आप दो ना। ना सिर्फ सियासी फजा गर्म है बल्कि सरहद की अगर हम बात करें तो सरहद पर भी आतिशबाजी के मुजाहरे पड़ोसी मुल्क की जानिब से जारी है। आए हाय क्या होगा फिजा तेरी गर्म हवाओं का, सरहद पर भारत जो होली खेल रहा है आग और खून की। अरे फिजा बेबी छोड़ो ये खून वून, आओ तुम हम तुम्हारे साथ पानी से होली खेलेंगे, गुलाल से होली खेलेंगे। और किससे, कीचड़ से होली खेलेंगे, तुम एक बार आओ तो सही। अरे ये गान फट गया। आवाम महंगाई का तोड़ ढूंढ रही है बेचारी, कोशिश कर रही है क्या कोई तोड़ो के ये जो चीज महंगी मिल रही सस्ती हो जाए। चाचा चोलू चिन तो बताओ, ना कोई मीर हूँ हैं, ना कोई फकीर हूँ, ना कोई पीर हूँ, फिर भी मैं जो हूँ वो निशाने पे तीर लगा रहा हूँ, ऐसा क्यों है। बेवकूफ पागल बदतमीज गधा, कहते ना मेंटोर, आपका कोई मेंटोर है ना, किसी को अच्छा मेंटोर मिल जाए, उसको उसकी तरबियत करे, उसको अच्छा मशवरा दे, उसकी सलाह करे, वो बहुत 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 खुशकिस्मत होते हैं। हमारी आपस की जो बात होती है पब्लिक में आउट नहीं करो, ये तय हुआ था। आप लोगों की किस्मत ही खराब है कि आपको कायदे ऐसे मिले जिन्होंने आपको सिखाई ये चीजें, जो सीखेंगे तो वही तो करेंगे आके, आप लोग बड़े बदनसीब हैं आप इस मामले में। फिजा बेबी मजा नहीं आ रहा, आज तुमने साजिश की बातें तो की नहीं, थोड़ी साजिश का भी बोल बच्चन करो ना। किसी साजिश की यकीन जाने किसी दुश्मन की कोई जरूरत, क्या बात कर रहे हैं, सब एक दूसरे को जलील करने के लिए काफी है। अली नासिर उस पे बात करते हैं कि क्या है, अपने गिरेबान में झांके, खुद को बदले, फिर बदलेगा पाकिस्तान। मैं हूँ रियलिस्टिक आदमी, अपने आप का पता नहीं कि हम कहाँ कहाँ से मार खा रहे हैं, क्या क्या फ्लोज है, चलते हैं दूसरों पर तनकीद करने के लिए, दूसरों को जिम्मेदार कराने के लिए। आगे मुल्क का माशी मुस्तकबिल क्या कुछ पता नहीं, अगले बजट में क्या आएगा कुछ पता नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। जितना टाइम आप वेस्ट करते हैं दूसरों पर हमले करने में, फलां जिम्मेदार, अपने गिरेबान में झांके। आप हो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले हैं, जो मलाई कहानियां सुनने वाले, कासल इन द स्काई बिल्ड करने वाले। इसलाह करें तुसी भी बंदे के पुत्र बनो तो बाकी भी सब कुछ अच्छा होगा आपकी तरफ से, मुल्क भी तरक्की करेगा यकीन जानिए। अपने पांव पे खुद को आड़ी मार ली, अंदर हो गया वो, समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फिक्र ना करें फिजा, तुम्हारे आसिक इमरान खान को जेल में क्यों डाला। जेल में इसलिए डाला गया क्योंकि उन्होंने मुल्क की खिदमत की। तो भाई साहब ये था वीडियो, और हाँ मुझे पक्का लग रहा है कि मजा आया होगा क्योंकि फिजा की आवाज में जो फ्रस्ट्रेशन चाहिए ना भाई साहब, वो ढूंढ के लेकर आई हूँ मैं आज। और हाँ कुछ भी कहो, फिजा में थोड़ा बहुत टैलेंट तो है, इतना बोलने के लिए भी यार पानी चाहिए होता है। इसको बोलते देख देख कर मेरा मुंह दुखने लग गया था, मजा, लेकिन इसका मुंह दुख जो है। फिजा मैं तेरे इस टैलेंट के लिए तुझे एक बोतल पानी देता हूँ। क्यों नहीं, यो किट्टू भाई। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।